हैं वायरिंग। वायरिंग के लिए लिया हमने एक एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के चार टर्मिनल होते हैं, दो होते इनपुट और दो होते आउटपुट। पहले हम इनपुट फेज और न्यूट्रल इसमें कनेक्ट करेंगे। इनपुट फेज के लिए लिया हमने रेड कलर की वायर, फेज वाली वायर। ये इधर इनपुट टर्मिनल है इनपुट फेज एनर्जी मीटर का, यहाँ पे इनपुट फेज वाली वायर कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम लेंगे इनपुट न्यूट्रल वाली वायर। इनपुट न्यूट्रल के लिए हम ब्लू कलर की वायर का यूज कर रहे हैं। इसको हम कनेक्ट करेंगे एनर्जी मीटर के इनपुट न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। ये फ्रेंड्स हमने एनर्जी मीटर में इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट कर ली है। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक वोल्ट मीटर, जो कि ये है। ये एंड्रॉइड 0 से लेकर के 500 वोल्ट तक ये शो करता है। पहले हम एक रेड कलर की वायर लेंगे, वायर के एक एंड को कनेक्ट करेंगे एनर्जी मीटर के ए टर्मिनल पे। इसमें दो टर्मिनल है, एक कॉमन है और एक ये ए टर्मिनल, ए लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। तो हम ए वाले पे कनेक्ट करेंगे। ये वोल्ट मीटर है फ्रेंड्स, रेड कलर की वायर यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर लिया है। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक रेड कलर की वायर, और रेड वायर के एक एंड को कनेक्ट करेंगे हम एनर्जी मीटर के आउटपुट टर्मिनल पे, फेज वाले टर्मिनल पे। ये फेज वाला है और ये आउटपुट न्यूट्रल है। ये यहाँ से यहाँ है और ये वाला ये है फ्रेंड्स। तो फेज वाले टर्मिनल पे एक रेड कलर की वायर का एक एंड को कनेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स अब लेंगे हम एक ब्लैक कलर की वायर, जो कि ये है। वायर के एक एंड को कनेक्ट करेंगे पहले हम ये जो आप देख रहे हो वोल्ट मीटर, इस पे कनेक्ट करेंगे कॉमन टर्मिनल पे, यानी कि न्यूट्रल टर्मिनल है इसका। ये यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। अब इस पे हमने दो वायर कनेक्ट कर लिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से इसको कर दिया साइड में। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक, हमको लगाना चाहिए एमसीबी या फिर टू पोल की या फिर सिंगल फेल पोल की एमसीबी हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये सिंगल पोल की एमसीबी है। ये क्या करती है फ्रेंड्स, जब भी हम लगाते हैं हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोड होता है तभी ट्रिप करती है। इसकी प्रोटेक्शन यही है घर में, जब भी ओवरलोड होगा या फिर आगे शॉर्ट सर्किट होगा वायरिंग में तभी ये ट्रिप करेगी। इसको हम लगाने का मतलब यही है। अगर हम यहाँ लगाते हैं फ्यूज अगर लगाते हैं तो फ्यूज भी ओवरलोड पे ही या फिर शॉर्ट सर्किट पे कटता है। इसको हटाते हैं हम, यहाँ हम यूज करेंगे आरसीबीओ। ये देखिए आरसीबीओ हम यूज करेंगे, इसकी फुल प्रोटेक्शन है। ये एक आपका ओवरलोड पे भी ट्रिप होगा, यानी कि घर की जो वायरिंग है उसको भी सेफ रखेगा, और दूसरा आपको करंट लगने से बचाएगा। आरसीसीबी भी इसी के अंदर है और आरसीबीओ भी, यानी कि एमसीबी और आरसीसीबी का दोनों का काम करेगा ये आरसीबीओ। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रेड कलर की वायर है जो मीटर से हमने आउटपुट ली है, इसका दूसरे एंड को कनेक्ट करेंगे। ये इसके चार टर्मिनल है, इधर इनपुट है और यहाँ आउटपुट है लिखा हुआ है इस पे। यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक ब्लू कलर की वायर, वायर के एक एंड को कनेक्ट करेंगे हम एनर्जी मीटर के आउटपुट न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। यहां पे इसको कनेक्ट करेंगे। ये यहां पे कनेक्ट हो गया। और ब्लू वायर के दूसरे एंड को कनेक्ट करेंगे हम आरसीबीओ के न्यूट्रल टर्मिनल पे। ये देखिए इधर न्यूट्रल है और ये वाला फेज वाला है। आपको इसको देख करके लगाना, जब भी आप आरसीबीओ लगाएंगे तब इसको देख करके लगाना होगा। ये हो गया यहां पे कनेक्ट। अब फ्रेंड्स
हम इसमें लगाएंगे ये वाला वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर कैसे लगाना है हमको, वोल्ट मीटर को आप इनपुट में भी लगा सकते हैं और आउटपुट में भी। जब भी आप लगाओगे वोल्ट मीटर को तो इनपुट में लगाएंगे, क्योंकि हमको वोल्टेज का पता लगता रहे। तो इसमें वोल्ट मीटर की दो वायर है, रेड और ब्लैक कलर की हमने कनेक्ट की है। रेड वायर को RCBO के इनपुट फेज वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल वायर को इसमें हम कनेक्ट करेंगे ये न्यूट्रल के साथ में। ये फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से घर की अगर वायरिंग करते हैं तो आपके घर में कोई भी सामान खराब नहीं होगा और किसी को करंट नहीं लगेगा घर में। क्यों नहीं लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या है कि जब भी RCBO का क्या काम है, ओवरलोड होगा। जैसे आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट चल रहा है, मान लीजिए वायरिंग में अगर शॉर्ट सर्किट है कहीं भी, RCBO ट्रिप हो जाएगा। और अगर लीकेज करंट है किसी भी इक्विपमेंट में, फ्रिज हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, या घर की किसी मोटर वे आ गया, या कोई भी प्रेस वगैरह हो गई, उसमें अगर लीकेज करंट है तो लीकेज करंट पे ट्रिप कर जाएगा। आपको दिख रहे होगी इसमें तीन स्विच दिए गए, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, साथ में इंडिकेटर है। अभी ऑफ है तो ग्रीन दिखा रहा है, ऑन करते ही रेड हो जा रहा है। ये इधर रीसेट स्विच है और ये वाला टेस्ट स्विच है। और इसकी रेटिंग हम बता देते हैं आपको, ये फिलहाल जो ट्रिपिंग पॉइंट है इसका लीकेज करंट पे, यानी कि फेज और न्यूट्रल के बीच में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंट करंट पे ये काम करता RCBO और RCCB जो करती है फेज और न्यूट्रल के जो बीच में डिफरेंस आएगा वोल्टेज का करंट का, तभी ये ट्रिप करेगा। ये देखिए 30 मिली एम्पियर इसका ये है, और इसका लोड जो करंट है यानी कि ओवरलोड, ये 10 एम्पियर का 10 एम्पियर पे ट्रिप कर जाएगा अगर आगे कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तब। इसका लगाने का मतलब यही है, आपकी वोल्ट घर की जो वायरिंग है उसको सेफ रखेगा, नुकसान होने से बचा लेगा, और दूसरा आपको करंट नहीं लगेगा। अब फ्रेंड्स हम लोड की जगह एक बल्ब होल्डर का यूज कर रहे हैं। बल्ब होल्डर की रेड वायर को हम कनेक्ट करेंगे इसके आउटपुट फेज वाले टर्मिनल पे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे हम न्यूट्रल टर्मिनल पे। ये हो गया घर का लोड। अब ये हमने प्रॉपर घर के लोड में लगा दी है, बल्ब को घर के लोड की जगह माना गया है। अब इसमें क्या होगा, जैसी जो ट्रिपिंग इसकी टाइमिंग है 0.1 सेकंड में ट्रिप हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी अगर किसी भी इक्विपमेंट में करंट आ रहा है और आपका हाथ टच होगा, 0.1 सेकंड में ट्रिप हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आगे ओवरलोड हुआ या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ तब भी ये 0.1 सेकंड में ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसकी पावर को कर देते हैं हम ऑन, पावर चालू कर लेते हैं फ्रेंड्स। पावर हमने ऑन कर दिए, देखिए वोल्टेज आ चुकी है इसमें, ये दिखा रहा है वोल्टमीटर शो कर रहा है हमारा, और वोल्टमीटर शो कर रहा है फ्रेंड्स। ये हमने नीचे टेप रखी हुई ताकि ये वोल्टमीटर अच्छे से रखा जाए, इसलिए हमने इसको रखा है आपको दिखाने के लिए। अब फ्रेंड्स इसकी पावर हम ऑन कर लेते हैं, ये सप्लाई आगे चालू हो गई है। अब देखिए हमने लिया एक बल्ब होल्डर, ये वाला बल्ब होल्डर ले लिया, इसमें बल्ब लगा लिया है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके आउटपुट में लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बल्ब अच्छे से ग्लो कर रहे हैं। अब हम फेज और बीच न्यूट्रल के बीच में अगर कोई भी लीकेज करंट लेते हैं, यानी कि इसको बीच में डिफरेंस करते हैं, देखिए बिल्कुल ट्रिप हो गया है, अभी फिलहाल ट्रिप हो गया है। अब इसको रीसेट करने के लिए अगर ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, ये रीसेट नहीं होगा। उसको रीसेट करने के लिए ये रीसेट वाला स्विच दबाना होगा, तभी ये अब ये रीसेट होगा, चालू होगा। अब फ्रेंड्स दोबारा से हम इसको न्यूट्रल और फेज के साथ करते हैं, ये देखिए फेज और न्यूट्रल के साथ भी प्रॉपर काम कर रहा है। ऐसे आप इसको लगा करके RCBO घर में लगाते, ये इसका टेस्ट स्विच है जो कि आपको मंथली में यूज करना होगा, यानी कि आपके RCBO सही प्रॉपर है कि नहीं है। फ्रेंड्स अगर आप अपने घर में ऐसे RCBO लगाते हैं तब आपको करंट लगने के कोई खतरा नहीं रहेगा, और दूसरा आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट खराब नहीं होगा शॉर्ट सर्किट से या फिर ओवरलोड के कारण, क्योंकि ये खुद ही प्रोटेक्शन करेगा एक प्रकार की। तो ओके फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।